गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कल की लेक्चर में फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर बैक्टीरिया का हो गया था, उसमें ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका हो गया है, ठीक है। इसका कंपोजिशन हो गया था, क्लासिफिकेशन हो गया था, और बायोलॉजिकल कंडीशन इसकी, दिस इज कमिंग अ प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में आपके ये आरजी बैक्टीरिया के साथ रखा गया है, ओके। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और क्या कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, कंपोजिशन हो गया, एक्सेट्रा हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं, ओके। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप बहुत क्या कहते हैं उसको केयरफुली नोट्स बना के पढ़िएगा, क्योंकि वो उसमें सारे पॉइंट्स हैं, आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, ओके। व्हाट इज़ फ्लैजिला? फ्लैजिला जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये बैक्टीरिया है आपका, ठीक है। इनका जो यहाँ पर ये वाला जो रीजन होता है, दिस इज़ कॉल्ड फ्लैजिला, और जो ये यहाँ पे थे ऐसे से हल्के से माइन्यूट वाले, दिस इज़ कॉल्ड सीलिया, ठीक है। तो जो फ्लैजिला हैं इसको हम, दिस इज़ आल्सो नोन एज थ्रेड, इसको फिलामेंट भी बोलते हैं, ओके। और ये इसकी टेल बनाने का भी काम करता है, ठीक है। और लोकोमोटरी ऑर्गन भी बोलते हैं इसको, लोकोमोटरी ऑर्गन, ओके, जो क्या करता है, बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है, टुवर्ड द अगेंस्ट करंट ऑफ वाटर। करंट ऑफ वाटर मीन्स रनिंग वाटर को करंट ऑफ वाटर बोलते हैं, जो पानी बह करके आता है, ओके। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, इसका डिवीज़न है, तो ये कितने टाइप के हैं, मोर देन 4-5 टाइप के हैं। तो फ्लैजिलेशन के टाइप जो हैं, पहला मोनोट्राइकस मीन्स जिसमें एक, ये आपका बैक्टीरिया है, इसमें एक फ्लैजिला होगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोनोट्राइकस, ओके। ये फर्स्ट टाइप हमारा हो गया जिनमें फ्लैजिला एक होगा, हम एफ लिख रहे हैं इसको, फ्लैजिला फाउंड इन वन, ओके। ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है, और ये जो विदाउट फ्लैजिला होंगे, जो सिंपल होती हैं, जैसे आपकी कोकस वगैरह कोकाई थी, सेकंड हमारा जो ऐसे बैक्टीरिया थी और ऐसे थे, ये सब हमारे क्या थे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप में जितने भी आते हैं, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑल आर विदाउट फ्लैजिला। ये क्या है, विदाउट फ्लैजिला है, ओके। और इनको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ए ट्राइकस, फर्स्ट हमारा हो गया मोनोट्राइकस, ठीक है, एंड सेकंड हमारा हो गया ए ट्राइकस। अब थर्ड आ जाएंगे, थर्ड जो बैक्टीरिया होंगे हमारे, और इनका नेम भी यही है, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, सॉरी जो क्या कहते हैं, विदाउट फ्लैजिला है, एट्राइकस, सॉरी एम्फी होंगे जिसमें मोर देन होंगे फ्लैजिला, एट्राइकस बैक्टीरिया, ओके। नेक्स्ट हमारा है ट्राइकोस बैक्टीरिया, सॉरी ट्राइकस, हाँ ट्राइकस बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें जो फिलामेंट होते हैं कैसे होते हैं, मोर देन वन होते हैं, बियर मोर देन वन मीन्स मोर देन वन, फ्लैजिला थ्री हो सकते हैं, टू हो सकते हैं, इस तरीके से, ओके। तो ये ट्राइकस या ये कहलाते हैं, और इनमें आपके आते हैं, इसमें भी मोनोट्राइकस हो जाएंगे, ये तीन डिवीज़न होगा, मोनोट्राइकस हो गए,
फर्स्ट जिसमें एक फ्लैजिला होगा, ओके। फिर सेकंड हो गया एम्फीट्राइकस, बी एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया जिसमें आपके मोर देन टू होंगे, मीन्स थ्री हैं या फोर हैं। जैसे कि ये बैक्टीरिया था, इसमें एक है और इनमें फ्लैजिला एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, तो ये आपके ये वाले होंगे, ओके। फिर सिफेलोट्राइकस सी, सिफेलोट्राइकस जिसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ या बंच ऑफ क्या होंगे, फ्लैजिला होंगे टू इंड पे, जैसे कि ये फ्लैजिल बैक्टीरिया है। दिस इज कॉल्ड बंच और ग्रुप ऑफ फ्लैजिला, ओके। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस, इसका एग्जांपल हो जाएगा सिफेलोट्राइकस का, मैं इसको अदर कलर से लिख दे रही हूँ, स्यूडो मोनास फ्लोरी सेंस, ये आपके बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट इसी में लोफोट्राइकस, जिसमें क्या होता है, टफ टॉप बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हैं, ये बंच ऑफ ग्रुप है, इसी तरीके होते हैं, बस इनकी बॉडी थोड़ी सी और स्पाइरल होगी। डी हमारा क्या है, लोफो ट्राइकस, और इनमें भी क्या होगी, बंच ऑफ बैक फ्लैजिला होंगी, और ये कैसी होती है, थोड़ी टफ्ट होती है, हार्ड और थिक होंगी, ठीक है। इस तरीके से ये बंच और बड़ा हो जाएगा, दिस इज टफ्ट बंच। एग्जांपल इसका हो जाएगा स्पाइरलिना, स्पाइरलम वॉलंटर्स। तो ये सीधे सीधे नेम उठा के दे देगा, लोफोट्राइकस फ्लैजिला फाउंड इन। तो ये किस में होता है, बैक्टीरिया में। क्वेश्चन ये बन गया, दिस इज विच टाइप ऑफ फ्लैजिला, तो टफ टाइप का होता है, बंच होता है, और फाउंड इन स्पाइरुलिनम वॉन्टस, ओके। अब लास्ट है आपका पेरीट्राइकस, ये क्या है, पेरी ट्राइकस बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट ओवरऑल पेरीफेरल लीजन, पेरीफेरी का मतलब होता है किनारा, ओके। ऑल ओवर सरफेस पे जो क्या होंगे, ये फ्लैजिला होंगे, ऑल ओवर सरफेस, ओके। तो ये क्या कहलाएंगे, पेरीट्राइकस, जैसे ई कोलाई हो गया, ट्रिपैनोसोमा हो गया, ठीक है, सोल्मोनेला हो गया, सोल्मोनेला हो गया, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा हो गया, जितने पैरासिटिक होते हैं, ऑल पैरासिटिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआंस, ठीक है। तो उनमें इस तरह के फ्लैजिला होते हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाएंगे इधर, ओके। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट डाल के ये नोट कर लो, हाईली मोटाइल साइज़ के जो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं, कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नोट डाल करके इम्पॉर्टेंट। बडेलो विब्रियो, ये क्या होता है, मोटाइल होता है, और कैसा, हाईली, क्योंकि जो इनके फ्लैजिला होते हैं बहुत ही एडवांस टाइप के होते हैं, स्मॉल साइज तो होते हैं, स्मॉल होते हैं, मोनोट्राइकस होते हैं, बट ये अटैक करने में भी हेल्प करते हैं अदर बैक्टीरिया टू इनसाइड द बॉडी, ठीक है।
ओके तो अब हम आ जाएंगे, लास्ट टॉपिक हमारा बचा है अभी न्यूक्लियस। ओके यहाँ तक हो गया था, इसके बाद बचा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कैसी होती है, डीएनए होता है ऐसे से राउंडेड होगा, ठीक है, और कैसा होता है, नेकेड डीएनए होता है, इसमें नेकेड डीएनए होता है बैक्टीरिया में, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके अब जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जब इसमें बनता है तो उसी को क्या बोलते हैं, जो डीएनए है अदर, इसमें क्या होते हैं, जब थोड़ी इसकी कॉइलिंग और कॉगुलेट होके बनती है तो वो क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्या होता है, प्लाज्मिड। ओके और ये जो क्रोमोसोम होता है कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है डीएनए का। ओके एंड इट कनेक्ट मीजोसोम्स फ्रॉम दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका क्या वर्क होता है, ये डीएनए मीजोसोम से कनेक्शन का वर्क बनाता है, ठीक है, इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये कनेक्ट रहेगा और मीजोसोम्स के जो पोर हैं उनसे कनेक्शन बनाता है। ओके प्लाज्मिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, तो मैं इसका अलग से एक लेक्चर दे दूंगी आपको प्लाज्मिड, ठीक है, यहाँ पे हम उसको नहीं करा रहे हैं प्लाज्मिड को। फ्लैजिला में आपका था, टू टाइप के फ्लैजिला होते हैं, एक फिमरी और पिलाई, ठीक है। बैक्टीरिया थ्रेड लाइक जो प्रोटोप्लाज्मिक अपेंडेज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। इसकी साइज थिकनेस 4 to 5 μ माइक्रॉन की होती है लेंथ इनकी, ये जो फ्लैजिला है, ठीक है, और इन लेंथ में, और इनका डायामीटर, ये लेंथ जो हो गई, ये लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई, ठीक है, और जो डायामीटर होता है, डायामीटर आपका 12 से 15 नैनोमीटर होता है, ठीक है। एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू फिम्ब्री, और इसी को फिम्ब्री और पिलाई बोलते हैं। ओके माइन्यूट जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं इसके अगेंस्ट, मीन्स ये आपका, ये तो आपके फ्लैजिला हो गए, ये फ्लैजिला है। ओके और यहाँ पर इस तरीके से प्लस ये, ठीक है, ये ऑल ओवर सरफेस पे होते हैं बैक्टीरिया के, तो ये क्या है आपके फिमरी हैं और पिलाई हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि प्रेजेंट ऑन दी सरफेस बैक्टीरिया डू नॉट प्ले रोल इन मोबिलिटी, जो पिलाई होते हैं मूवमेंट में ये रोल नहीं करते, ये मतलब मीन्स नॉन मोटाइल होते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं पिलाई आर नॉन मोटाइल, ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं, मीन्स इसके होने पे बॉडी मूव नहीं कर सकती है जब तक ये फ्लैजिला वर्क नहीं करेगा, और ये किस में हेल्प करता है, ये मोटाइल होता है टोटली। ओके और ये स्पेशल प्रोटीन से बनी होती है जिसको क्या बोलते हैं, पिलीन बोलते हैं, ये नोट कर डाल के आप नोट कर लेना, ये सिर्फ बैक्टीरिया के फिमरी में पाई जाती है, सॉरी पिलाइन में पाई जाती है, जिससे एफ पॉजिटिव फैक्टर बनता है, और जो बाद में क्या करेगा, इनमें फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, मींस बैक्टीरिया को इस तरीके से जब कॉन्जुगेशन होता है बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरियल सेल्स हैं, इनमें न्यूक्लियाई क्या होगा, इस तरीके जो होता है ये इनिशिएट होगा, ओके ग्रो करेगा, इलोंगेट होगा, और इलोंगेशन के बाद ये इनिशिएट होगा, इलोंगेट होगा, ठीक है, और फिर इनकी जो सेल्स हैं, यही जो आपके फिमरी हैं, यही क्या करते हैं, क्लैम कनेक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, ये प्रोटीन यहाँ पे आ जाएगी और इस बैक्टीरियल सेल्स से इस तरीके से कनेक्शन बनाएगी, और ये फिर क्या करते हैं, डीएनए न्यूक्लियाई का ट्रांसमिशन करते हैं। ओके और फिर क्या होगा, इनमें कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होगी, और कॉन्जुगेशन के बाद ये क्या करेंगे,
मोर देन, इनमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये किस में हेल्प करता है? बेसिकली कॉन्जुगेशन में और बाइनरी फ्यूजन में। ओके, जो पिलाइन प्रोटीन होती है ये बाइनरी फ्यूजन में स्पेशली हेल्प करती है और कॉन्जुगेशन में। ओके, तो इतना बहुत है। इसके बाद जो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया है वो अलग लेक्चर में होगा तो ही हो पाएगा, क्योंकि टॉपिक पड़ा है उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन है, फिर आपका क्या है कॉन्जुगेशन है एंड आपके बाइनरी फ्यूजन है। तो दैट इज़, ये आपको इसकी नोट्स मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर के आपको क्या डालना है, ई टी एच प्रतिमा, ओके, स्मॉल लेटर में, और ऐसे भी आप डालोगे एवरीथिंग तो ओपन होके आ जाएगा और मेरा लोगो वही लगा हुआ है जो मेरे बैनर में, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे।